और भाई ये जो गोल गोल देख रहे हो ना आप, ये ना इलेक्ट्रिक पोल से इन्होंने पूरा बना रखा है इसको। सो गाइस ये देखो, गौतम बुद्ध भगवान जी भाई लेटे हुए हैं यहाँ पे, ये भी पूरा स्क्रैप से बनाया हुआ कितना है। तो इसी के साथ भाई अगले चौथे धाम पे जो पहुंच चुके हैं वो है जगन्नाथपुरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो भाई आप पीछे जगह देख के समझ ही गए होंगे मैं कहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ भाई पंजाबी बाग, जहाँ पे हम करने वाले पूरे भारत दर्शन, जो कि है भारत दर्शन पार्क। और भाई इसकी जो टाइमिंग होने वाली है वो होने वाली है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। भाई मंडे को ये बंद रहता है तो मंडे को आने की भूल मत करना बिल्कुल भी। और भाई रात को हम आए हैं, रात की जो टिकट की प्राइसिंग होती है भाई 150 रुपये होती है, क्योंकि भाई रात को होती है कलरफुल लाइटें और लाइटों में भाई बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। एंड भाई नॉर्मल डेज में आपको या फिर दिन के टाइम पे इसकी टाइम जो टिकट की प्राइस मिलेगी वो 100 रुपये मिलेगी। और भाई पार्किंग की सुविधा पूरी उपलब्ध है। सामने भाई थोड़ा सा जाम आपको मिल जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आज संडे है तो ज़्यादा जाम है आज के दिन। और पार्किंग वगैरह भाई थोड़ी सी कॉस्टली है नॉर्मली अगर आप दूसरी जगह से देखेंगे तो। यहाँ पे 60 रुपये की पार्किंग आपको मिल जाएगी 1 घंटे की, और उसके ज़्यादा आप खड़ी करते हैं तो 40 रुपये पर घंटा आपका लगेगा। तो भाई चलते हैं अंदर फटाफट से और मिलते हैं आपसे वहीं पर। सो गाइस आपकी एंट्री होने वाली है गेटवे ऑफ इंडिया के साथ, और भाई ये रात को इस टाइम पे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये लाइटों के साथ, देख सकते हो आप। चलते हैं अंदर देखते हैं और क्या क्या होने वाला है अंदर। ये है वट वृक्ष, इसके बारे में डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ इस तरीके से भाई ये इस टाइम पे लग रहा है लाइटों के साथ, आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। पेड़ भाई ये पूरा का पूरा रिसाइकल बीन से बनाया हुआ उन्होंने, और ये इतना खूबसूरत झरना टाइप मिल जाएगा आपको, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस टाइम पे। और लाइटों के साथ जो इसको 4 चांद लगा दे रही है लाइटें इसके ऊपर, देख सकते हो आप भाई। तो भाई थोड़ा सा आगे आने के बाद हम पहुंच चुके हैं जयपुर, और जयपुर में भाई यहाँ पे है हवा महल, काफ़ी शानदार लग रहा है इस टाइम पे, आप देखो एक बारी। गाइस ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है हवा महल रात के समय पे, बट पूरा का पूरा भाई रिसाइकल बीन से इन्होंने बना रखा है इसको। जितने भी स्क्रैप्स होते हैं भाई मेटल के, सारे इन्होंने इसके अंदर लगाए हैं, और इतना खूबसूरत डिज़ाइन इनको बना के दिया है भाई। अगर इसमें एक चीज़ कलर वगैरह और लगे होते ना तो काफ़ी खूबसूरत लगने वाला था, बिल्कुल एग्जैक्ट लगता। तो गाइस हवा महल से थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा गोल गुंबज, जो कि कर्नाटका में है, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मेरे पीछे, आप देख ही सकते हैं। तो भाई एक बार अच्छे से आपको उसके सिनेमैटिक दिखाता हूँ, वो देखो। और भाई इसमें देख सकते हो आप कि भाई पिस्टन का यूज़ किया गया है, ट्रक का कुछ सामान होता है वो यूज़ किया गया है, गेयर्स यूज़ किए गए हैं, साइकिल पैडल्स, तराजू वगैरह का भाई यूज़ करके इसको बनाया गया है। इतना खूबसूरत भाई इन सब चीज़ों से इसको बना दिया गया है, देख सकते हो भाई कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तो भाई अब पहुंच चुका हूं नेक्स्ट पे, जो कि है कुतुब मीनार, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये भी भाई। ये भी देखो एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखो कुतुब मीनार कितना खूबसूरत लग रहा है लाइटों के साथ, और भाई मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये पूरा का पूरा स्क्रैप से बना हुआ है। और भाई इसी के सामने आपको बैठने की खूबसूरत सी जगह मिल जाएगी, अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, बच्चे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आके बैठ भी सकते हैं, ये देखो। सो गाइस अब पहुँच चुका हूँ नालंदा, और भाई ये ज्ञान का एक प्राचीन केंद्र इसको माना जाता है, और भाई यहाँ पे इसको बनाया गया है, इसको भी पूरा स्क्रैप से ही बनाया गया, और ये देखो कुछ इस तरीके से ये लग रहा है, देखो भाई कितना सही लग रहा है। और भाई इस पर तो कुछ ज़्यादा ही स्क्रैप यूज़ किया गया, इतना बड़ा है ना भाई ये। तो भाई अब पहुंच चुके हैं मीनाक्षी टेम्पल, देख सकते हो भाई इसके बारे में हिस्ट्री इधर इस तरीके से लिखी हुई है, और इसको बनाया गया इस तरीके से, आप देख सकते हो भाई इसके अंदर यूज़ किया गया है शीट्स एंड पाइप्स, गियर बेयरिंग्स, आयरन कास्टिंग्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, और बहुत सारी चीज़ें भाई इसके अंदर यूज़ करी गई हैं, और इस तरीके से इसको बनाया गया है। और भाई देखो ये कुछ इस तरीके से अभी ये लग रहा है। अगर भाई इसके अंदर कलर वगैरह होते तो काफ़ी खूबसूरत लगता है ये, और ज़्यादा 4 चांद लग जाते हैं, बट लाइटों से कलर तो नहीं दिखते मेरे को लगता है। पीछे देख रहे हो आप कितना अच्छा व्यू है, और यहाँ पे फुल बैठने का बना रखा है, बैठ के आप इस व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उस साइड मुड़ना पड़ेगा, इस साइड पर तो आप खाली फोटो ही खिंचा सकते हो, पीछे तो नहीं मुड़ सकते। चलो मिलते हैं आगे, ऐसे भी कर सकते हो भाई आप। आप पहुँच चुके हैं भाई 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ मंदिर,
और भाई आपने नहीं देखा तो ऐसा लगता है बद्रीनाथ मंदिर देवताओं का निवास की ये यात्रा है। और भाई इसके बारे में डिटेल आप देख सकते हो, ऐसे लिखा है और इसको बनाया गया भाई इस तरीके से, आप देख सकते हो, रोक के देख ले हो, इसमें भी सारा स्क्रैप यूज़ किया गया है। भाई इसको देख के मन कर गया बद्रीनाथ जाने का, तो भाई आप कमेंट वगैरह कर देना ज़रूर, बद्रीनाथ का भी प्लान बनाएंगे, उसका भी ब्लॉग जल्दी आएगा भाई। अभी तक तो फिलहाल तो आप ऐसे ही देख लो, ये देखो भाई, देखो इस तरीके से लग रहा है। और मुझे ना एक प्रॉब्लम इसमें लग रही है कि सारे में ना ऐसी अजीब अजीब सी लाइटिंग लगा रखी है भाई, वाइट लाइट लगाऊं ना ज़्यादा अच्छा दिखता है। सो गाइस इसी के साथ पहुंच चुके हैं द्वारकाधीश टेम्पल, और ये देखो भाई कुछ इस तरीके से अभी ये लग रहा है, ये देखो भाई साहब। जिसको नहीं पता बता दूँ भाई, ये भी चार धाम में से एक धाम में आता है और इसका भी जल्दी प्लान बनाएंगे। इसी के साथ भाई नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जो कि है रामेश्वर मंदिर, और भाई कुछ इस तरीके से अभी ये लग रहा है, देख सकते हो आप। जिसको नहीं पता उसको बता दूं भाई, ये भी चार धाम में से एक धाम में आता है और इसके व्लॉग मैंने डाले हुए हैं, मैं रामेश्वरम गया हुआ हूँ, तो भाई वहाँ जाके लाइव आप रामेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो है वो, जाके आपका उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके भाई अभी वो वीडियो देखो जल्दी से। तो इसी के साथ भाई अगले चौथे धाम पे जो पहुंच चुके हैं वो है जगन्नाथपुरी, चार धाम में से एक धाम में आता है। और भाई देखो कितना खूबसूरत लग रहा है इस टाइम पे भाई, लाइव तो अभी जा नहीं पाए हैं, इस पे भी जाएंगे भाई, अभी एक ही धाम अभी तक कवर हुआ है, बाकी तीन धाम अभी पेंडिंग है, वो भी जल्दी से जल्दी कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए उसके व्लॉग। सो गाइस पहुंच चुके हैं दूसरी जगह पे जो कि है महाभद पैलेस, भाई कुछ इस तरीके से लगता है फ़ोटो में रियल में, और भाई अभी कुछ इस तरीके से लग रहा है आप देख सकते हो। और लाइटों में भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं डार्कनेस आ रही है, तो जितना हो सकता है मैं उतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, देखो भाई साहब। तो भाई ये देखो सांची स्तूपा कुछ इस तरीके से रियल में लगता है, और भाई ये देखो अभी कैसा लग रहा है। और भाई ये जो गोल गोल देख रहे हो ना आप, ये ना इलेक्ट्रिक पोल से इन्होंने पूरा बना रखा है इसको, और बाकी भाई ये सारी चीज़ें तो इन्होंने यूज़ कर ही रखी है, बेयरिंग गियर्स तो भाई हर किसी चीज़ में यूज़ कर रखे हैं इन्होंने, और कितनी सफाई से बना रखा है ना, देख सकते हो भाई आप। भाई ये देखो रोड्स एंड स्प्रिंग से पूरा बनाया है, और कितनी क्लैरिटी और कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने बना रखा है। और गाइज अगर आप घूम के थक चुके हैं तो यहाँ पे खाने के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंतज़ाम किया हुआ है, और काफ़ी यूनिक तरीके से किया हुआ है, मैं देख के भाई हैरान ही हो गया। तो गाइज ये देखो इस तरीके से भाई इन्होंने बना रखा है, और ये पूरा लाल किले की कॉपी है, दिल्ली में भाई दो दो लाल किले इन्होंने बना दिए ऐसा लग रहा है। और भाई ये देखो नीचे बना रखा है खाने के लिए कैफेटेरियाज, और यहाँ पर भाई खाने का सामान पूरा मिलता है। और भाई ये जो इन्होंने टेबल्स वगैरह बना रखे हैं ये भी पूरे स्क्रैप से बना रखे हैं भाई, जैसे कि ये टायर है, टायर और नीचे भाई जो अलॉय होता है उसके ऊपर भाई इन्होंने इसको पूरा टेबल बना दिया है, और उसके ऊपर कांच लगा के एकदम बढ़िया बना दिया। कहाँ लेके जाएगा भाई स्कूटर को, हैंडल कहाँ इसका, ये जो टेबल है भाई साहब, भाई पुरानी चेतक वगैरह होती थी ना उसको काट के भाई यहाँ पे एकदम सीट बना दी एकदम, भाई का चलाने का मन भी है इसका, कहाँ से बोरी ना, बोरी हैंडल के साथ है वो। अच्छा चल हैंडल वाली पे चलते फिर, भाई चलते हैं सबको 10-10 रुपए में दिल्ली घुमा दो चेतक पे, चल रहे भाई घुमाने, अभी लाल किला आया है, इसके बाद चलेंगे भाई कुतुब मीनार, जितनी भी दिल्ली में जगह है सारी नाप देंगे भाई स्कूटर से। चलो भाई बैठो 10 रुपए सवारी, चलो भाई दोनों बैठ गए, चला भाई जल्दी, चला भाई जल्दी, अपन किक तो मान रहे हैं, नहीं चलने वाली इससे तुमसे ना हो पाएगा भाई। दीदी अकेले घूम रही है पता नहीं क्या करेंगी, और दीदी के बाल भाई पूरे स्प्रिंग से बना रखे हैं, यहाँ पे भी भाई रिसाइकल बीन का पूरा इस्तेमाल किया गया है, और भाई ये भी स्क्रैप से है, ये अंकल भी स्क्रैप से लग रहे हैं। आओ भाई अंकल, ठीक है सब, पेट ज़्यादा निकल रहा है, अंकल को डाइटिंग की ज़रूरत है तेरी तरह। तो भाई खाना वाना तो हमने कुछ खाया नहीं है भाई, खा के आए थे घर से, क्यों खाएंगे यहाँ पे, और रेट वैसे नॉर्मल है आप खा सकते हो, कोई ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, बस वो स्क्रैप से ना बना के देते हो खाना तो बाकी सही है। तो भाई क्वीन विक्टोरिया पैलेस है ये, और रियल में कुछ इस तरीके से लगता है, और भाई यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग रहा है आप देख सकते हो। और भाई ये कोलकाता के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर बेसिकली, और क्वीन विक्टोरिया की याद में ये बनाया गया था, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है इस टाइम पे लाइटों के साथ, और भाई कितनी डिटेलिंग के साथ इसने बनाया है, जो भी जो खिड़कियाँ वगैरह इसकी एंट्री गेट है, और ऊपर तो भाई काफ़ी ज़्यादा बारीकी से इन्होंने जो दिखाया है कलाकारी।
सो भाई इसी के साथ पहुंच चुके हैं आगरा के फेमस ताजमहल पे, और भाई लाइटों के साथ कुछ इस तरीके से अभी लग रहा है, देख सकते हो आप। और भाई चोंच पकड़ के फोटो खिंचानी है तेरे को उसके साथ, चोंच पकड़नी है उसकी। हाँ जरूर, दिख नहीं रही पर, बट रियल वाला वाइट होता है, तो ये वाइट नहीं है, फिर भी अच्छा लग रहा है भाई। दिल्ली के अंदर बना दिया इन्होंने, और क्या चाहिए। तो पहुंच चुके हैं भाई मैसूर पैलेस, जो कि है कर्नाटका में, और भाई ये देखो इस तरीके से अभी ये लग रहा है। और इसमें भाई कुछ ज़्यादा ही डिटेलिंग से वर्क किया हुआ है ऐसा लग रहा है, बाइक चैन नट बोल्ट्स के मिला के भाई उसका जो गोल वाला है वो बनाया गया है ऊपर का, जो आप देख सकते हो। और भाई साइकिल पैडल, साइकिल स्प्रिंग, भाई ग्लास बॉटल, भाई सब कुछ लगा दिया है। ये जो कांच देख रहे हो ना भाई, पूरा ग्लास बॉटल से बनाए हुए, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये भाई बॉटल्स है। कितना ही भाई दिमाग लगा के बनाया भाई जिसने भी ये बनाया ना, काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा के बनाई गई चीज़ है भाई ये। सो भाई ये पहुंच चुके हैं अब हम चार मीनार, हैदराबाद की चार मीनार भाई, ये देखो। और भाई ये भी स्क्रैप मटेरियल से पूरा अच्छे से बनाई हुई है, रियल में भाई कुछ इस तरीके से लगती है, देख सकते हो आप। और भाई स्क्रैप में कुछ इस तरीके से लग रही है, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट जितना बारीकी से हो सकता था उतना बारीकी से बनाने की कोशिश की गई है। और भाई ये देखो आप पीछे देखो लाइटों के साथ कैसी लग रही है ये, एक बार देखो। सो गाइस इसी के साथ पहुंच चुके हैं कोणार्क टेम्पल, और भाई देख सकते हो इसमें भी बाइक चेन, आयरन कास्टिंग, एंगल्स, बियरिंग, गियर्स वगैरह सब यूज किए गए हैं। रियलिटी में भाई कुछ इस तरीके से लगता है कोणार्क टेम्पल, और भाई वीडियो और जो इन्होंने बनाया कुछ इस तरीके से है। और हो सकता है लाइट में अभी आपको पूरा अच्छे से इसकी ब्रीफिंग ना दिख रही हो, डिटेलिंग ना दिख रही हो, बट मैंने आपको फोटो में दिखा दिया कैसा लग रहा है। और भाई देखो इन्होंने भी भाई स्क्रैप से घंटी बना रखी है मस्त सी, और देखो भाई इसको बजाओ फुल भाई मंदिर वाली फील आ जाती है एकदम से, जो स्पिरिचुअल वाइब्स होती है ना वो जाग जाती है अंदर से भाई। सो गाइस ये देखो गौतम बुद्ध भगवान जी भाई लेटे हुए हैं यहाँ पे, ये भी पूरा स्क्रैप से बनाया हुआ, कितना ही खूबसूरत इन्होंने बना रखा है भाई इस टाइम पे ये। और ये देखो भाई ये है अजंता एंड अलोरा, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, और भाई आधा यहाँ पे है और आधा वहाँ पे है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है आप देख सकते हो। और भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अंदर देखो भाई बिल्कुल गौतम बुद्ध भगवान की जो इन्होंने मूर्ति लगाई है वो भी भाई पूरा मेटल से अंदर भी बना रखी है, बिल्कुल रियल जैसी लग रही है थोड़ी थोड़ी। और देखो भाई कितना ही खूबसूरत लग रहा है इस टाइम पे ये। सो गाइस ये है खजुराहो टेम्पल, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है और छत्रपुर जगह पे है, और भाई कुछ इस तरीके से अभी ये लग रहा है। और भाई काफ़ी डिटेलिंग से इसको भी पूरा बनाया गया है, और अभी भाई लाइट इस पर एकदम वाइट हो गई है, तो कितना सही लग रहा है। और देखो भाई कितना खूबसूरत है सामने से। सो गाइस इसी के साथ पहुंच चुके हैं हम आज की लास्ट प्लेस पे, जो कि है खजुराहो टेम्पल, ये आपको बिल्कुल एग्जिट पे मिलेगा। और भाई जितना भी मैंने आपको दिखाया यही सारी चीज़ें थी भारत दर्शन पार्क के अंदर। एंड भाई अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कर देना भाई। एंड भाई ये सारी जो चीज़ें आपने अभी देखी इसको हम रियल में जाके भी भाई एक दिन फ्यूचर में जाके जरूर कवर करेंगे, और देखेंगे भाई रियल में भी ये सारी चीज़ें कैसी लगती है, आपको वीडियोस में ज़रूर दिखाएंगे। और भाई सब्सक्राइब कर लेना इस तरीके की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।